आज मैं आपको लगभग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेजिटेबल साइंस के बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे ARS एडवांस्ड की तैयारी वेजिटेबल साइंस में करते हैं वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर वेजिटेबल कल्टिवेशन। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सैंडी, सैंडी लोम, क्ले लोम एंड क्ले। इन दिस बी क्वेश्चन सैंडी लोम इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत वेजिटेबल कौन है? पहला ऑप्शन है पी, सेकेंड है फिनी ग्रोप ग्रीक, थर्ड है पॉइंटेड गोल्ड परवल, नेक्स्ट है कुकुम्बर, चौथा है खीरा कुकुम्बर। तो इसमें पी सही है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा पी में पाया जाता है, लगभग 36% प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ब्रिंजल इज कंसिडर टू हैव इट्स ओरिजिन इन, ब्रिंजल की या बैगन की कहाँ ओरिजिन है, उत्पत्ति चाइना पहला दिया और दूसरा अफ्रीका, तीसरा इंडिया, जापान। इसमें सी ऑप्शन इंडिया सही है, ओरिजिन ऑफ ब्रिंजल इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असल्टन, ए द कैबेज सीड प्रोडक्शन इज डन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कैबेज के बीज का उत्पादन नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में किया जाता है। रीजन दिए हैं द सॉइल्स ऑफ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर फर्टाइल। अब इसमें देखना है कि कौन सा इससे ए से कौन सा रीजन मेल खा रहा है, तो इसमें ए दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट। बी दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी दिया हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें सी ऑप्शन सही है, बिकॉज ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर, इन द केस ऑफ पोटैटो द सीड रेट पर हेक्टेयर इज, पोटैटो में आलू में सीड रेट क्या होती है? पहला ऑप्शन है 1 क्विंटल, दूसरा बी का ऑप्शन है 5 क्विंटल, सी है 10 क्विंटल और डी है 15 क्विंटल। तो लगभग 20 से 25 क्विंटल माना सीड पर्याप्त होता है एक हेक्टेयर के लिए आलू का, और इसके नियर अबाउट 15 क्विंटल है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चार, रिजल्टन पोटैटो सीड्स आर ट्रीटेड विद 1% एक्यूस सोल्यूशन ऑफ थायूरिया फॉर एन आवर बिफोर सोइंग। रीजन पोटैटो सॉइल हैव ए डोरमेंसी पीरियड। इसमें ए दिया है ऑप्शन बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। बी दिया है बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें ऑप्शन ए सही है, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू, इसमें दोनों सही है, क्योंकि थायूरिया से पोटैटो की डोरमेंसी ब्रेक की जाती है और निश्चित रूप से पोटैटो में डोरमेंसी पाई जाती है, सो रेस्ट पीरियड पाया जाता है, इसलिए ये इमिडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग जनरेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, रिजल्टन ए सेल्फ पोलिनेशन इज कॉमन इन टोमेटो। टोमेटो में या टमाटर में स्वपरागण सामान्यतया होता है। रीजन द आंसर्स आर स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली इन ए टर्न्ड इनवर्ल्ड मैनर सो दैट द पोलिन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द स्टिग्मा। इसमें ऑप्शन ए दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ए, जबकि बी दिया है बोथ ए एंड आर नॉट ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिदर आर सी ऑप्शन इज ए आर इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें ऑप्शन ए सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर आठ, एसल्टन लेट कैलीफ्लावर कैन बी ग्रोन इन रोटेशन विद खरीफ क्रॉप ऑफ लेडीज फिंगर। लेट कैलीफ्लावर को खरीफ भिंडी के साथ क्रॉप रोटेशन में उगाया जा सकता है। रीजन कैलीफ्लावर कैन बी ग्रोन इन बिटवीन द रोज ऑफ लेडीज फिंगर। इसमें जो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर
ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स डी ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इसमें ऑप्शन ए सही है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 8 सीड पोटैटो फ्रॉम दी हिली रीजन ऑफ इंडिया इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑप्शन ए दिया इट इज चीपर दी ऑप्शन गुड वेराइटीज आर ग्रोन इन दीज रीजन्स ऑप्शन सी इट इज बेटर जर्मिनेशन इट हैज बेटर जर्मिनेशन इन दोज रीजन्स ऑप्शन नंबर डी इट इज डिजीज फ्री इन दिस डी क्वेश्चन इज सही बिकॉज इन हिली एरिया डिजीज फ्री पोटैटो इज प्रोड्यूस डैट वाई इज सुपीरियर फॉर टू यूज एज सीड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू ट्रीट सीड पोटैटो ब्रिक इज डोरमेंसी इसमें ए दिया इथरल बी थायोरियन इंडोल एस्टिक एसिड नैप्थलीन एस्टिक एसिड इसमें बी इसका सही है थायोरिया जो है वो पोटैटो की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉप रोटेशन आर करेक्ट नंबर 1 ससेप्टेबल वेजिटेबल टू ए पर्टिकुलर पेस्ट शुड बी फॉलोइंग बाई ए रेजिस्टेंट वन ये सही है हैवी फीडर शुड बी फॉलोड बाई लो फीडर ये भी सही है थर्ड डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाई द सेम टाइप ऑफ क्रॉप ये नहीं सही है क्योंकि डीप रूटेड के बाद लो डीप रूटेड के बाद बाद लो स्मॉल डीप रूटेड के बाद लाइट डीपेड क्रॉप शुड बी सोन गहरी जड़ी वालों के बाद कम गहरी वाली जड़ों वाली सब्जियों को बोया जाता है इसमें ऑप्शन 3 सही है गलत है जबकि 1, 2, और 4 ऑप्शन सही हैं क्वेश्चन नंबर 12 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स ग्रीन बिलो द लिस्ट इसमें क्रॉप दिया हुआ है और वेराइटी दी है कैलीफ्लावर की वेराइटी धनिया है धनिया इज बिलोंग टू कैलीफ्लावर धनिया इज द वेराइटी ऑफ कैलीफ्लावर कैबेज की वेराइटी है गोल्डन एकर नोल खोल की वेराइटी है वाइट वीना जबकि रेडिश की वेराइटी है जापानीज वाइट तो इसमें सिक्वेंस क्या होगा 1, 2, 3, 4 ए में आएगा आपका सीम जो इसमें जो विकल्प सही है वो बी नंबर सही है आप देखिए ए 4 है बी 2 है और सी 1 है डी 3 है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बिटर क्रॉप ट्राइकोसैंथेस डाइकाइज परवल किस प्रकार की वेजिटेबल है मोनोसियस है या हर्मोफ्रोडाइट है या डाइसियस है या पोलीगैमियस प्लांट है मोनोसियस प्लांट कौन होते हैं जिसमें एक ही फूल पे नर तथा एक ही पौधे पे नर और मादा फूल विभिन्न अलग अलग रहते हैं जबकि हर्मोफ्रोडाइट वो फूल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स वन एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं जाए गाइनोसियम एंड इंडोसियम प्रेजेंट इन वन फ्लावर दैट्स अ फ्लावर आर नोन एज हर्मोफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल फ्लावर हर डाइसियस प्लांट आर दोज प्लांट विच बियर ओनली वन टाइप प्लांट ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर हर इज इट इज मेल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीडलेस पूसा बेदाना कल्टीवेयर ऑफ वाटर मिलन जो तरबूज की वैरायटी होती है पूसा बेदाना वो किस कारण से सीडलेसनेस होती है तो इसमें पहला ऑप्शन दिया वाइंस डू नॉट हैव मेल फ्लावर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट वन टाइम वाइंस सफर फ्रॉम डिफिशिएंसी ऑफ बोरान कल्टीवेयर इज डिप्लाइड इन जेटनिक कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें चार क्वेश्चन नंबर चार ऑप्शन 4 इज राइट बिकॉज द कल्टीवेयर इज डिप्लाइड इन नेचर
आप लोग जानते हैं, एक होता है बेसिक क्रोमोजोम और दूसरा होता है डिप्लॉयड जिसमें, या सोमैटिक क्रोमोजोम, और तीसरा होता है जब क्रोमोजोम नंबर तीन गुना होते हैं किसी कल्टीवेयर में उसके बेसिक नंबर क्रोमोजोम नंबर के, तो उसे ट्रिप्लॉयड कहते हैं, और ये ट्रिप्लॉयड वेराइटी होती है, तो इसमें सीडलेसनेस का मुख्य कारण है ट्रिप्लॉयड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन नॉर्मली हैज द हाइएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी, सबसे ज़्यादा सस्त गहनता किस तरह के गार्डन में पाई जाती है। इसमें पहला ऑप्शन है ट्रक गार्डन, किचन गार्डन, वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग या मार्केट गार्डनिंग। इसमें सबसे ज़्यादा क्रॉप इंटेंसिटी पाई जाती है ट्रक गार्डन, वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा क्रॉप इंटेंसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। इसमें प्लांट दिया है और इसका पार्ट जो यूज होता है भोजन के लिए, तो जिंजर में क्या यूज होता है, राइजोम यूज होता है, टोमेटो में ट्यूबर यूज होता है, स्वीट पोटैटो में स्टेम कटिंग प्रोपोगेशन के लिए यूज होती है प्रसारण के लिए, और कैलीफ्लावर इज प्रोपोगेटेड बाई सीड। सो इसमें सिक्वेंस ए वन बी टू सी थ्री एंड डी फोर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग वेजिटेबल्स वाटरमेलन कैरेट स्वीट पोटैटो देयर करेक्ट सिक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज पर 400 ग्राम्स ऑफ यूजुअल मटेरियल इज। इसमें सिक्वेंस डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर एसोसिएटेड विद पोटैटो ट्यूबर, ब्लैक हार्ट एंड ब्लैक सैंग, वन और थ्री आर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई माउंटेन्स रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका पेरू बोलविया एक्वाडोर कोलंबिया इज दी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ। इसमें सुरिनाम ट्यूबरोसन आलू की ओरिजिन है, हाई माउंटेन्स रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका सजाद पेरू एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, पोटैटो जैसा विश्व में सबसे ज़्यादा किस वेजिटेबल का उत्पादन होता है, आलू का होता है। जनरली सीडलेस वाटर मिलन इज ट्रिप्लॉयड, इसका पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वाटर मिलन में ट्रिप्लॉयड ही पाई जाती है, इसलिए ये सीडलेसनेस होती है, खासकर पूसा वेराइटी जो है। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द आइडियल गॉल्ड क्रॉप इज, बायोलॉजिकल टोमेटो के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए फ्रूट बोर के लिए कौन सी आदर्श क्रॉप है, तो इसके लिए है तंबाकू। तंबाकू को अगर आप उसके चारों ओर टोमेटो के बो देते हैं तो इसमें जो फ्रूट बोरर है वो असर नहीं करता। येलो कलर इन ओनियन इज ड्यू टू पिगमेंट, येलो कलर जो होता है प्याज का वो किस पिगमेंट की तरह वजह से होता है, क्यूरेसिटिन। इसमें ऑप्शन बी इज राइट। विच वन इज करेक्ट मैज्ड, जिंजर पोटैटो ट्यूबर गार्लिक बल्ब स्वीट पोटैटो स्टोलन, इसमें डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि स्वीट पोटैटो का प्रोपोगेशन जो है स्टेम कटिंग के द्वारा होता है, जबकि जिंजर राइजोम पोटैटो ट्यूबर एंड गार्लिक का बल्ब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, जो लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, ये डिजीज जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा ब्रिंजल में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनियन वेराइटी सूटेबल फॉर खरीफ क्रॉप इज एग्री फाउंड डार्क रेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एग्री फाउंड डार्क रेड वेराइटी ऑफ ओनियन इज रेडी फॉर खरीफ सीजन, सीड रेट ऑफ टोमेटो इज 400 to 500 ग्राम, ए ऑप्शन इज राइट इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप इज डाइसिवस पॉइंटेड गोल्ड, एक लिंगी जो सब्जी होती है वो पॉइंटेड गोल्ड होती है, इसमें नर और मादा
फूल जो हैं वो अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मुझको क्या लिखा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इज ए पी वे आई टी हैविंग टू लेन टू ऊपर करो। ए सर्टन ए एफ वन हाइब्रिड ऑफ सोलेनम मिलन जुनेरा मुक्ता केस एंड बनारस गियंट एंड मुक्ता केसी एंड पूसा गियंट एग्जिबिट इंक्रीज ओवर बेटर पेरेंट एज रिगार्ड यील्ड रीजन एक्सप्लोटेशन ऑफ हाइब्रिड विगोर हैज अटेन कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस इन मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स। इसके ऑप्शन दिया हुआ है, ए है बोथ ए एंड आर टू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर ऑफ ए बोथ बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी ऑप्शन है इज टू बट आर इज फॉल्स डी ऑप्शन इज फॉल्स। इसमें करेक्ट आंसर होगा ए बिकॉज बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। इसमें हाइब्रिड विगोर जिसको आप हेटेरोसिस कहते हैं व्यंजन में पाई जाती है, इसलिए इसमें पेरेंट जो है वो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग जो है उसमें हेरिटेज ब्रीडिंग कहलाती है और वो अपने सुपीरियर होता है अपने पेरेंट से, तो इसे हम हाइब्रिड विगोर की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असल्टन ए प्री कूलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज डन टू रिड्यूस द रेट ऑफ राइपनिंग प्रोसेस एंड एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ रीजन प्री कूलिंग डन टू इमीडिएटली रिमूव द फील्ड हीट। इसमें ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर टू एंड आर जी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी ऑप्शन बूथ है सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स डी ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें एक ऑप्शन जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिहार्मिंग पोटेंशियल डन टू ऑब्टेन क्वालिटी सीड ट्यूबर। इसमें अच्छा गुण का जो ट्यूबर है कंद पैदा करने के लिए डिहार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट क्रॉप वेराइटी रेडिश की वेराइटी, रेडिश की वेराइटी क्या है पूसा हिमानी, टोमेटो की वेराइटी है पूसा रोबी, कैलीफ्लावर की वेराइटी धनिया और कैबिज की वेराइटी गोल्डन एकर है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट विद सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। वेजिटेबल क्रॉप रिकमेंडेड सीड रेट इन केजी प्रति हेक्टेयर कैरेट, कैरेट की सीड रेट है 5 केजी प्रति हेक्टेयर वेयर एज द कुकुम्बर सीड रेट इज 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर, क्योंकि कुकुम्बर का सीड बड़ा होता है और इसको ज़्यादा डिस्टेंस पर बोया जाता है, तो इसकी सीड रेट की होगी 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर। एक मम्मी को बुला दो, पूरा वीडियो खराब हो गया। नेक्स्ट मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। क्रॉप रिकमेंडेड सीड रेट कैरेट, कैरेट का सीड रेट है 5 केजी पर हेक्टेयर, कुकुम्बर का सीड रेट है 2.5 केजी पर हेक्टेयर, ओकरा, ओकरा का सीड बड़ा होता है, जितना बड़ा सीड होता है उतने ज़्यादा सीड रेट होती है, ओकरा की सीड रेट है 7.5 केजी प्रति हेक्टेयर और पीक रेट है 25 केजी प्रति हेक्टेयर। सो इन दिस चले गए मैं आपको बता चुका हूँ इसमें ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज